हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज एक नया दिन है और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे, विच इज नाउन। यू ऑल माइट बी वेरी फेमिलियर विद दिस टॉपिक। नाउन मतलब क्या होती है बच्चों? संज्ञा होती है। किसी भी नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यानी किसी का नाम, किसी जगह का नाम, कोई एनिमल या कोई वस्तु किसके अंदर आती है बच्चों? नाउन के अंदर आती है। और हमने इंग्लिश में देखा सब चीज के टाइप्स होते हैं, तो वैसे नाउन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सो पहला जो हमारे नाउन का टाइप होता है, दैट इज कॉमन नाउन। अब ये कॉमन वर्ड से आपको क्या समझ आ रहा है कि ये कॉमन चीजों को इंडिकेट करेगा। अगर मैं बोल रही हूँ माउंटेन, तो माउंटेन किस में आएगा? कॉमन नाउन में। अगर मैं बोल रही हूँ गर्ल, तो वो किस में आएगा? कॉमन नाउन में। दूसरा हमारा होता है प्रॉपर नाउन। इन दोनों को आप ऐसे समझिए, अगर मैं बोल रही हूं गर्ल, तो वो किस में आएगा? कॉमन नाउन में। वहीं अगर मैं बोल रही हूं मुस्कान, तो वो किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में। अगर मैं बोल रही हूँ रिवर, तो वो किस में आएगा? कॉमन नाउन में। क्यों? क्योंकि रिवर तो बहुत सारी होती है। वहीं अगर मैं बोल रही हूँ गंगा, तो वो किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में। क्यों? क्योंकि गंगा रिवर सिर्फ एक है। वहीं अगर मैं बोल रही हूँ प्लैनेट्स, तो वो किस में आएगा? कॉमन नाउन में। वहीं लेकिन अगर मैं बात करी हूँ अर्थ की, तो वो किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में। तीसरा टाइप होता है बच्चों कलेक्टिव नाउन का। अगेन आपको वर्ड से क्या समझ आ रहा है? कलेक्टिव नाउन, ये एक कलेक्शन को शो कर रहा है। जब भी कोई चीज कोई कलेक्शन को शो करे, तो वो किस में आएगा? कलेक्टिव नाउन में। पैक ऑफ वुल्व्स, क्राउड ऑफ पीपल, तो ये सब किस में आएगा? हमारा कलेक्टिव नाउन में आएगा। पाइल ऑफ बुक्स, वो सब भी किस में आएगा? कलेक्टिव नाउन में, क्योंकि वो पूरे पूरे एक कलेक्शन को शो कर रहा है। अब बकेट फुल ऑफ वाटर, ये भी एक कलेक्शन को शो कर रहा है बच्चों, तो ये भी किस में आएगा? कलेक्टिव नाउन में आएगा। चौथा टाइप होता है बच्चों हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। ये किसी की भी फीलिंग्स, ये किसी की भी क्वालिटी को इंडिकेट करता है। जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? आपकी एक क्वालिटी है, तो ऑनेस्टी किस में आएगा बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। तो ये होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर हमारा लास्ट होता है बच्चों मटीरियलिस्टिक नाउन, जो मटेरियल्स को इंडिकेट करे। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इसके दो टाइप होते हैं। अच्छा, किसी किसी बुक्स में और किसी किसी स्कूल में आपके काउंटेबल और अनकाउंटेबल को अलग से दिया रहता है, इसके अंडर में नहीं दिया रहता है, बट हम लोग इसको इसके अंडर में भी काउंट कर सकते हैं, विच इज काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन। ऐसी चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो आएगी आपके मटेरियलिस्टिक काउंटेबल नाउन में। ऐसी चीजें जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, राइस, हेयर, वो सब किस में आएगा? आपका नॉन काउंटेबल नाउन में। तो ये था बच्चों हमारा नाउन यानी कि संज्ञा। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन भी एक बहुत ही सिंपल और सरल टॉपिक है हमारे इंग्लिश ग्रामर का, विच इज सर्वनाम। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर्वनाम क्या होता है, तो कोई भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले प्रोनाउन होता क्या है? वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। ऐसे शब्द जिनका हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे किसी लड़की के नाम के जगह हम लोग शी यूज कर सकते हैं, किसी लड़के के नाम की जगह हम लोग ही यूज कर सकते हैं, तो वो सभी किस में आएगा बच्चों? प्रोनाउन में आएगा। नाउन की ही तरह प्रोनाउन के भी टाइप्स होते हैं। आई नो थोड़े ज्यादा टाइप है, नाउन से ज्यादा टाइप है, बट विल अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल एंड ईजी वे। कोई लोड नहीं लेनी है, बहुत ही आराम आराम तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, प्रोनाउन को समझेंगे और उसके टाइप्स को समझेंगे, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग चालू करते हैं हम लोग पर्सनल प्रोनाउन से। पर्सनल की बात हो रही है यहाँ पे, मेरा, ये, वो, तो इसमें कॉमन कॉमन से वर्ड्स आएंगे। ही, शी, इट, वी,
ये सब जो कॉमन वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं ना प्रोनाउन में, वो किस में आएगा बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन में। फिर आ जाते हैं हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन में। इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है? क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। इसमें पूरी की पूरी डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच का पूरा परिवार और हाउ, वो सब किस में आएगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। फिर आ जाते हैं बच्चों हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं कोई चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना, कोई चीज को इंडिकेट करना। वो बुक जो वहां रखी है वो मेरी है, वो किताब, वो पेंसिल जो वहां रखी है वो मेरी है। तो दैट, दीज, दोस, दिस। अब बहुत जगह बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती होगी ये वाले दिस और ये वाले दीज में क्या डिफरेंस है दोनों में। अगर कोई सामान एक है और पास रखा हुआ है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? दिस। अगर कोई सामान दूर है और प्लूरल फॉर्म में, मतलब बहुत सारे सामान है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? दीज। अगर कोई सामान पास है और एक है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? दैट यूज करते हैं। अगर कोई सामान दूर है और बहुत सारे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? दोज यूज करते हैं। आई होप आपको दीज, दीज, दैट, दोज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं सीधी और साफ बात, विच एवर, हु एवर, डब्ल्यू एच फैमिली जब भी इस फॉर्म में लगे तो हम लोग उसको क्या कह देते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन में। जब भी डब्ल्यू एच फैमिली क्वेश्चन के फॉर्म में यूज ना हो तो उसको हम क्या कह देते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कह देते हैं। फिर आते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? जिसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कुछ भी स्पेसिफाई, कुछ अता पता नहीं है किसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो वो किस में आएगा? इनडेफिनेट प्रोनाउन। यू नो देयर इज समथिंग आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट, तो वो समथिंग क्या है? हमें तो नहीं पता क्या है, तो वो किस में आ जाएगा? इनडेफिनेट में। एनी वन ऑफ यू कैन कम हियर एंड टीच, कोई भी तुम में से आ जाओ और यहाँ पे पढ़ा लो। मैंने तो नहीं बोला कि तुम आओ, कि तुम आओ, कुछ कोई भी आओ, कोई भी आओ और यहाँ पे पढ़ा लो। तो कोई भी चीज का यहाँ पे इंडिकेशन नहीं है, तो वो किस में आ जाएगा? इनडेफिनेट में आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव, अब ये कोई फ्लेक्स करना, रिफ्लेक्स करना नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सीधा सीधा सेल्फ लग जाता है। इस वर्ड में भी सेल्फ है, सेल्फ या सेल्स लग जाता है। जैसे कि माई सेल्फ, हर सेल्स, आर सेल्स, सारे के सारे चीजों को उठा के किस में डाल देना है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डाल देना है। फिर आते हैं पोजेसिव। आजकल के बच्चे अपने पार्टनर के लिए बहुत पोजेसिव होते हैं कि अरे तू मेरा है, तू किसी से बात नहीं करेगा, अरे तू मेरा दोस्त है। बच्चों के मन में मोस्टली ये बात होती है, तू मेरा दोस्त है, तू किसी से बात नहीं करेगा। तो ये क्या होता है? ये पोजेसिवनेस है आपकी किसी और बंदे के लिए, किसी दूसरे के लिए, कि आप उसके लिए पोजेसिव हो कि वो चीज मेरी है, वो कोई और यूज नहीं कर सकता। बच्चों के मन में होता है ना, ये मेरी चॉकलेट है, मैं खाऊंगा, कोई और नहीं खाएगा। तो वो चीज होता है पोजेसिव मतलब। तो पोजेसिव नाउन प्रोनाउन क्या होता है? सॉरी माय मिस्टेक, प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? कि योर्स, आर्स, माइन, शी इज माइन, ही इज माइन, इस टाइप का हम लोग बोलते हैं ना। तो वो सब क्या होता है हमारे बच्चों? पोजेसिव प्रोनाउन में होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में वर्ड्स लाइक ईच अदर, वन अनदर, ये सारे वर्ड्स आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। तो ये था बच्चों हमारा प्रोनाउन। आई होप अब आपको नाउन प्रोनाउन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और कोई भी लोड नहीं लेनी है इंग्लिश को, हम धीरे धीरे ऐसी करके, प्रीवियस वीडियोस में हमने टेंसेस कंप्लीट किया था। आई होप आपने सारे वीडियोस देख लिए, टेंसेस के तीन ही पार्ट थे, आप तीन पार्ट अगर देख लोगे ना, आई कैन गारंटी यू ऑल कि आप लोग टेंसेस को लेके सॉर्टेड हो जाओगे। उसके बाद आप लोग नाउन प्रोनाउन को लेके आज सॉर्टेड हो गए। धीरे धीरे करके ग्रामर आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।